हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल सैड शायरी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह की जो सैड शायरी स्टेटस वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। गाइस, आप इस बंदे के पेज को देख सकते हैं, इनके अभी 41,800 फॉलोवर हो चुके हैं। गाइस, आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं कितने ज़्यादा इस तरह की वीडियो में व्यू और लाइक जा रहे हैं। गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं इस वीडियो में 6.2 MB जा चुके हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह की वीडियो कितनी ज़्यादा अभी इंस्टाग्राम पर वायरल चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह की सैड शायरी स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में बहुत सारे व्यू और लाइक आ सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप को और इनशॉट ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको पिक्सल लैब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब सर्च करते ही पिक्सल लैब वाला जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा। इस वाले ऐप को गाइस मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है, तो इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। और गाइस, आपको इनशॉट ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इनशॉट ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आपको न्यू टेस्ट वाले ऑप्शन को डिलीट करना है, नीचे से तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेप्स वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से शेप है जो आ जाएगा। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पर, ये अभी 0 पर सेट है, इसको आपको 10 पर सेट करना है इस तरह से। अब गाइस, आपको इस शेप को इस तरह से सेट करना है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपेसिटी वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा कम करना है। इस तरह से हम इसको 20 पर सेट करेंगे। अब यहाँ से आपको शेप के कलर को चेंज करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर वाला, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है इस तरह से। और यहाँ से गाइस, आपको ब्लैक वाले कलर को इसमें सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको भी यहाँ से इनेबल करना है इस तरह से, और इसमें भी आपको ब्लैक वाले कलर को सिलेक्ट करना है। शायरी को लिखना है, ए वाले ऑप्शन पर जाना है, टेस्ट वाले ऑप्शन, यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। तो गाइस, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे। इस तरह की जो आपको शायरी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस तरह से हम शायरी को यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आप जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, तो इस वाले फॉन्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अब गाइस, आपको इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी को सिलेक्ट करना है, फिर से टेस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम अब इंस्टाग्राम आईडी को लिख देंगे। इस तरह से आपको इंस्टाग्राम आईडी को ऊपर साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, इस वाले फॉन्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। और इंस्टाग्राम आईडी को हम थोड़ा सा छोटा करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से गाइस, आपको फिर से टेस्ट पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ से हम 3 बार डॉट को इसमें सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको 3 बार डॉट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने का इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब गाइस, आपको इस साड़ी को पीएनजी में कन्वर्ट करना है। नीचे से आपको 4th नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो साड़ी है वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको इसको गैलरी में सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो पीएनजी साड़ी है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब गाइस, यहाँ से आपको इनशॉट ऐप को ओपन करना है।
इंसर्ट ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको इस समय एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। इस वाले वॉलपेपर की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से हम वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने एक ऑप्शन राइट वाला, इस पर क्लिक करना है। यही वॉलपेपर इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा कैनवास वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको 960 वाली साइज को सिलेक्ट करना है और आपको इसको फुल जूम कर देना है। इस तरह से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको म्यूजिक को इसमें ऐड करना है। नीचे आपको एक जगह म्यूजिक वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फर्स्ट में आपको जो म्यूजिक वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऑडियो फ्रॉम वीडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो के साउंड को गाइस हम अपने वीडियो में लगा देंगे। इस साउंड वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने का राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी वीडियो में साउंड है जो लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है। अब यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर वाला, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेमो वाला। तो गाइस हम इस मेमो वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको उसी वाली पीएनजी सारी को सिलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल लैब एप्स बनाई थी, उसी वाली पीएनजी सारी को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा PIP वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का उसी वाली पीएनजी सारी को इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने का इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ से आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से गाइस आपको फिर से फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट पर जाना है। यहाँ से आपको ग्लिच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा JPEG वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इफेक्ट है वॉलपेपर में कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब गाइस आपको इफेक्ट को थोड़ा सा कम करना है। इस तरह से हम इतना कम करके इसको लगा देंगे। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको इफेक्ट की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर करना है। इस तरह से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का फिर से आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सेट सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।